एक गिर अभयारण्य जंगल में दो शेरनिया और एक शेर शिकार के लिए निकले हुए थे। एक शेरनी ने अचानक अपना विचार बदल दिया और वो वापस चली गई। उस शेरनी ने अचानक एक गाय के बहुत छोटे से बछड़े को देख लिया था। वो फूर्ती के साथ उसके पास चली गई और बछड़ा भी तनिक भी ना डरते हुए शेरनी के करीब चला आया। उसे तेज भूख लगी थी। वो शेरनी के पिछले पैरों के नीचे मुंह लेकर अपना सबसे अधिक प्रिय आहार मतलब दूध ढूंढने लगा। वो नन्हा मासूम सा बछड़ा इस बात से बेखबर था कि दूध की चाहत में वो मौत के जबड़े में पहुंच चुका था। वो खूंखार शेरनी उसे देखकर हैरान हो गई थी। बछड़ा अपनी मां समझकर शेरनी का दूध पीना चाहता था। एक अनोखा चमत्कार हो गया और शेरनी ने पंजा उठाया और मारा नहीं बल्कि प्यारे बछड़े को प्यार से चाटने लगी। उसके पश्चात बात यहीं तक नहीं रुकी। वो शेरनी अपने स्थान पर खड़े होकर उसे अपना दूध पिलाने लगी और अपना प्यार और ममता लुटाने लगी। उसकी ममता जादुई ढंग से जाग चुकी थी। शेरनी जान गई थी कि वो नन्ना बछड़ा भूख से बेहाल है। बछड़े को दूध पिलाने में उसे बड़ा आनंद आ रहा था। शेरनी ने कहा, प्यारे बच्चे, तुम्हें भूख लगी है, आओ दूध पी लो जितना मन हो। शेरनी ने बछड़े को दूध पिलाते पिलाते सोचा कि आखिर इसकी माँ कहाँ होगी। इतने छोटे से बच्चे को अपनी माँ के पास होना चाहिए था, ये बिछड़ कैसे गया। शेरनी आसपास देखने लगी लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। बस सामने से एक सियार चला आ रहा था। उसने सियार से प्रश्न किया, क्या तुमने किसी गाय को देखा है आसपास? सियार ने कहा, हाँ, अभी कुछ देर पहले एक शेर और शेरनी ने मिलकर एक गाय को मार दिया है। यह नन्ना सा बछड़ा उसी गाय का बच्चा है। मैंने इसे जन्म लेते समय ही देखा था। वो गाय इस बछड़े को अपना दूध पिलाना ही चाहती थी कि सामने से उसने शेर शेरनी को देख लिया और अपने बच्चे को बचाने के लिए इसे झाड़ियों में ढकेल दिया और खुद ही शेर शेरनी के सामने चली आई। एक माँ ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए खुद को मौत के हवाले कर दिया। शेर और शेरनी ने इसकी माँ को खा लिया और अब आप इसे खाओगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भी एक माँ हूँ। अब यह मेरा बच्चा बन गया है, मैं इसे प्यार से पालूंगी। तो सियार बोला, आपके अपने बच्चे कहाँ हैं? शेरनी बोली, शेर शेरनियों और भैंसों के बीच की लड़ाई में मेरे बच्चों की जान चली गई। सबसे बड़ी बात, हमारे दिल की शेरनियों ने एक भैंस के बच्चे को मार डाला। उसके बाद दो जंगली भैंसों ने मिलकर मेरे दोनों बच्चों को बेरहमी से मेरी आंखों के सामने मार डाला। सियार बोला, ये तो बहुत ही दुखद बात है, मुझे बहुत अफसोस है। माँ बाप से होने वाली लड़ाई में बच्चों की जान जाना सबसे अधिक पीड़ादायक बात है। शेरनी बोली, एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्दनाक वाक्या क्या हो सकता है। मेरी गोद सूनी हो चुकी थी लेकिन भगवान ने इस प्यारे से बछड़े को मेरे आंचल में डाल दिया। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, अब मैं इसे बड़े ही प्यार से पालूंगी। शेरनी और सियार की बातचीत के दरमियान एक शेरनी आई और जैसे ही बछड़े पर टूटना चाहती थी, शेरनी माँ उसी पर टूट पड़ी और उसे मारकर भगा दिया। शेरनी माँ ने कहा, अब यह मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक इसे कोई छू भी नहीं सकता। इतने में शेर भी वहां पर आ गया। शेर बोला, अरे वाह, तुम तो अपने साथ नन्हा प्यारा सा शिकार लेकर आई हो। शेरनी माँ बोली, यह मेरा बच्चा है, कोई शिकार नहीं। शेर बोला, अरे शेरनी पागल मत बनो, तुम्हारे अपने बच्चों को भैंसों ने मार दिया और तुम एक गाय के बच्चे को अपना बच्चा मान रही हो, इसे भी खत्म कर दो। एक शेरनी बोली, हाँ इसकी माँ हो, तुम बताओ इसे कब तक बचाओगी, देख लेना एक ना एक दिन किसी का शिकार बनेगा ये। शेरनी माँ बोली, चुप रहो, तुम सभी मेरे बच्चे के बारे में इस तरह की बात को दोबारा मत करना, यह मुझसे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। शेर ने कहा, शेरनी होकर ऐसी बातें कर रही हो, अब सुन लो, हमारी एक शर्त है, अगर हमारे साथ रहना है तो तुम्हें बछड़े को छोड़ना होगा। बड़ी शेरनी बोली, मैं सारी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हूँ लेकिन अपने प्यारे बछड़े को कभी नहीं छोड़ सकती, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। शेर ने कहा, एक बार सोच लो। शेरनी माँ बोली, हाँ मैंने सोच लिया।
शेरनी माँ बछड़े को लेकर वहां से हमेशा के लिए चली गई। शेरनी माँ नन्हे बछड़े के साथ जंगल के दूसरे छोर पर नील गाय के इलाके में चली गई। शेरनी माँ को देखकर सब डर कर भागने लगे। शेरनी माँ ने कहा, देखो देखो मुझसे डरो नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, मैं किसी जानवर को भी नहीं मारूंगी। नील गाय ने कहा, ये आपका बच्चा है? शेरनी माँ ने कहा, हाँ यह मेरा बच्चा है, मैंने इसे जन्म तो नहीं दिया लेकिन अपने प्राणों से बढ़कर पाला है इसे, अब मैं किसी जानवर को भी नहीं मारती। नन्हा बछड़ा बोला, हाँ हाँ माँ सच कह रही है। शेरनी माँ प्यार से बछड़े को चाटने लगी और प्यार करने लगी। जंगल के सभी जानवर इस माँ बेटे के प्रेम को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे थे। वो बहुत ही अद्भुत दृश्य था। कुछ वर्ष बीत गए, शेरनी माँ भी अन्य जानवरों से मिलजुल कर रहने लग गई थी। वो बछड़ा भी बड़ा हो गया था। एक दिन एक शेर और शेरनी उस इलाके में चले आए। उन्होंने शेरनी माँ के साथ बछड़े को घास चरते हुए देखा। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ये बड़ा बछड़ा शेरनी के इतने पास चर रहा है जैसे ये इनके परिवार का सदस्य हो। बछड़ा तो अब सांड बनने वाला है। शेरनी ने कहा, अगर इसको मारा जाए तो बड़ी शानदार दावत बन जाएगी। शेर बोला, मैं तो अभी इसे खाना चाहता हूँ, पेट की आग बुझाना चाहता हूँ। शेर जैसे ही बछड़े पर वार करने चला तो शेरनी माँ लड़ने के लिए तैयार हो गई। शेरनी माँ ने कहा, यह मेरा लाल है, इसके पास आने के बारे में सोचना मत वरना मैं सबको जान से मार दूंगी। शेर ने कहा, ए शेरनी, तू अकेली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, हम तो इस बछड़े को मारकर खा जाएंगे। इतना सुनने के बाद शेरनी माँ क्रोध से पागल हो गई और उसने शेर पर आक्रमण किया। शेर भी उससे लड़ गया। दोनों में भयानक युद्ध शुरू हो गया और दूसरी तरफ शेरनी बछड़े को मारने के लिए बढ़ गई। शेरनी माँ ने जब उस शेरनी को बछड़े की तरफ टूटते हुए देखा तो वो कूद कर उससे लड़ बैठी। शेरनी माँ और शेरनी की भी लड़ाई हो गई। शेर ने पीछे से आकर बड़ी शेरनी पर वार कर दिया। शेरनी माँ अपने बछड़े को बचाने के लिए शेर और शेरनी दोनों से लड़ने लगी। शेरनी माँ घायल हो गई। तब बछड़े ने शेर पर आक्रमण कर दिया। जंगल के बहुत से जानवर आ गए। शेरनी माँ की तरफ से गोरिल्ले भी लड़ पड़े। उन्होंने शेर और शेरनी को मारकर भगा दिया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो शेरनी माँ जमीन पर गिरकर तड़प रही थी। शेरनी माँ ने कहा, बच्चा, मेरा बच्चा ठीक है ना, उसे मेरे पास लेकर आओ। बछड़ा बोला, माँ मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको क्या हो गया है? वैद्य भालू काका भी आ गए हैं, ये तुम्हें ठीक कर देंगे। बेटा अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, तुम अपना ख्याल रखना। शेरनी माँ ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। शेरनी माँ ने बछड़े को जन्म तो नहीं दिया लेकिन अपने बच्चे से अधिक प्यार और दुलार दिया। उसी बच्चे के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर वो कुर्बान हो गई, लेकिन बच्चे पर कोई आंच नहीं आने दी। इसे कहते हैं एक माँ का त्याग, यही होती है एक माँ की ममता। विंध्याचल के जंगल में एक बड़ी बाघिन अपने दो छोटे बच्चों के साथ आजादी के साथ रहती थी। एक दिन उनकी आजादी पर ग्रहण लग गया। कुछ शिकारी वन में आए और उन्होंने बाघिन के बच्चों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। बाघिन ने अपने बच्चों को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी लेकिन सफल न हो सकी। बाघिन ने अपनी जान गंवा दी और उसके एक बच्चे को शिकारी पकड़कर ले गए। दूसरा बच्चा वहां से भाग निकला और झाड़ियों में छिप गया था, इसलिए बच गया। शिकारी चले गए और दूसरा बच्चा झाड़ियों से निकलकर सीधे अपनी माँ के पास पहुंच गया। माँ बेचारी अचेत पड़ी हुई थी, वो मर चुकी थी। माँ, शिकारी चले गए हैं लेकिन मेरे भाई को भी ले गए, तुम जल्दी से उठ जाओ और भैया को शिकारियों से छुड़ा कर लेकर आओ, मुझे मेरा भैया चाहिए। माँ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, आंखें खोलो माँ। अरे तुम्हारे शरीर से तो खून निकल रहा है, उन जालिमों ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा गहरा वार कर दिया है, मैं बड़ा होकर उन्हें मार दूंगा, भगवान मेरी माँ को ठीक कर दो। एक हिरनी पास ही खड़ी थी और वो चली आई। उसे बाघिन के बच्चे पर बहुत दया आ रही थी। वो जानती थी कि बाघिन अब कभी नहीं बोल पाएगी, उसके प्राण निकल चुके थे। बाघिन का बच्चा फिर भी आस लगाए बैठा था। हिरनी बोली, ए बच्चे इधर मेरे पास आओ, तुम्हें बड़ी भूख लगी होगी। बाघिन का बच्चा बोला, देखो ना माँ आंखें नहीं खोल रही हैं,
मुझसे कुछ नहीं बोल रही हैं। आप मेरी माँ को ठीक कर दो तो ये बोलने लगेंगी। हिरनी बोली, बच्चा अभी बंदर मामा आने वाले हैं, वह इनको ठीक कर देंगे। तुम्हें भूख लगी है, आओ दूध पी लो। हिरनी ने उस बाघिन के बच्चे को अपने साथ ले लिया। उसे रास्ते में भालू मिल गया। हिरनी बोली, भालू भाई, यह बाघिन का बच्चा बेसहारा हो चुका था, यह बहुत छोटा है। अब मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। आज से यह सारा जंगल इसे बघेरा के नाम से जानेगा। बघेरा हिरनी माँ का दूध पीने लगा और सभी जानवर आश्चर्य से देखने लगे। एक बिन माँ के बच्चे ने हिरनी को अपनी माँ बना लिया। हिरनी के दो बच्चे भी उसी बघेरा के साथ घुल मिल गए। उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा जैसे एक ही माँ के सभी बच्चे हों। एक सियार ने जब ये देखा तो उससे रहा न गया। वो हिरनी के पास चला आया और कहने लगा, मैं एक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये बाघ का बच्चा है और इसे पालकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। आगे चलकर यही जान का खतरा भी बन जाएगा। हिरनी बोली, मैंने इसे अपना बेटा मान लिया है, अब चाहे जो भी हो जाए मैं इसकी माँ बनकर ही इसे पालूंगी। सियार वहां से चुपचाप चला गया। हिरनी अपने बच्चों के साथ ही बघेरा को भी पालने लगी। बघेरा सभी की रक्षा भी करने लगा था। वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। एक दिन हिरनी जंगल में दूर जाने वाली थी। उसने बघेरा को पास बुलाया और कहा, बघेरा देखो, मैं जंगल में कुछ देर के लिए जा रही हूँ, तुम अपने दोनों भाइयों की अच्छी तरह से ख्याल रखना। बघेरा बोला, ठीक है माँ, मैं इनका अच्छी तरह से पूरा ख्याल रखूंगा। हिरनी चली गई और बघेरा के साथ उसके दोनों बच्चे खेलने लगे। एक बच्चा छोटू बहुत ही नटखट था। वो अचानक उछलते कूदते कहीं दूर निकल गया। बघेरा ने नदी में जाकर कुछ मछलियां पकड़ी और खाने लगा। वो नदी के बाहर आया और हिरनी के बड़े बेटे को अकेले देखकर चौंक गया। बघेरा बोला, अरे मीनू, छोटू कहाँ गया? तुम तो अकेले हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मोनू बोला, बघेरा भैया, छोटू बहुत ही बदमाशी करता है, अभी यहीं था, अचानक गायब हो गया। उसने जाते समय मुझे बताया भी नहीं, चलो चलकर उसे ढूंढते हैं। बघेरा और मोनू मिलकर छोटू को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। इतने में हिरनी वहां पर आ गई। उसने इन दोनों को देखकर छोटू के बारे में सवाल किया। ये दोनों बेचारे भी छोटू को ढूंढ ही रहे थे। हिरनी बोली, अरे तुम दोनों के साथ छोटू था, कहाँ चला गया? बघेरा बोला, माँ हम लोग साथ में थे और वो अचानक भागकर कहीं गायब हो गया, हम दोनों उसे ही ढूंढ रहे हैं। हिरनी बोली, बघेरा मैंने उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ा था और तुम उसका ध्यान नहीं रख सके, यह तुम्हारी सबसे बड़ी लापरवाही है। इतने में वहां पर सियार आ गया और उसने हिरनी को उल्टी पट्टी पढ़ानी शुरू कर दी। उसने हिरनी के मन में गहरी शंका डाल दी। हिरनी ने ध्यान से बघेरा का मुंह देखा तो मछलियां खाने के कारण खून लगा हुआ था। सियार बोला, देख लो हिरनी बहन, इस बघेरा के मुंह में खून लगा हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसने ही छोटू को खा लिया है। तुमने इतने दिन तक सांप को दूध पिलाया और उसने तुम्हें डस लिया है। हिरनी ने सियार की बात पर यकीन कर लिया और बघेरा पर उसकी शंका विश्वास में बदल गई। वो गुस्से से उसे मारने लगी। तूने ही मेरे छोटू को मारा है, तू एक नंबर का गद्दार निकला, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया, मैं तुझे मार डालूंगी। बघेरा बोला, माँ मैंने अपने भाई छोटू को नहीं मारा है, मैं तो अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता हूँ। हिरनी बोली, अपनी गंदी जबान से मुझे माँ कहकर मत बुला, तू मेरे लिए मर चुका है, मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। मोनू बोला, माँ बघेरा भैया ने छोटू को नहीं मारा है। बघेरा को बहुत कष्ट हुआ और वो वहां से चुपचाप चला गया। शाम हो गई और छोटू भटकता हुआ अपनी माँ के पास चला आया। उसे देखकर हिरनी बहुत खुश हो गई, लेकिन अपने किए पर उसे बहुत ही पछतावा हुआ। मैंने अपने बच्चे बघेरा के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उसे यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया, वह बेकसूर था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल कर दी। अब मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी, अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगूंगी और पश्चाताप भी करूंगी। हिरनी अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर बघेरा की तलाश करने लगी। वो और उसके बच्चे बघेरा को पुकार रहे थे, लेकिन उसका कहीं भी अता पता नहीं था। तीनों निराश होकर लौट आए। मेरा बेटा बघेरा न जाने कहां चला गया, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं।
मोनू बोला। माँ, हमारे बघेरा भैया बहुत ही अच्छे हैं, आपने उन्हें बहुत ही तकलीफ पहुंचाई। इतने में एक आहट हुई, बघेरा की परछाई नजर आई। दोनों बच्चे उसके पास दौड़ पड़े, उन्होंने माँ को भी अपने पास बुला लिया। हिरनी बोली, बघेरा मेरे बच्चे मुझे माफ कर दो, मैंने तुझ पर अविश्वास करके बहुत बड़ी भूल की। तूने कुछ खाया भी नहीं होगा, चल मैं पहले तुझे खाना खिलाऊंगी। हाँ कितना चेहरा उतर गया है, मुझे क्षमा कर दे बेटा। तो बघेरा बोला, माँ आप बड़ी हो, मुझसे क्षमा मत मांगो, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरा छोटू वापस आ गया, इस बात की बड़ी खुशी है मुझे। छोटू अब कभी भी ऐसा काम मत करना, हमसे बिना पूछे दूर मत जाना। बघेरा और दोनों बच्चे हिरनी से लिपट गए और उनकी आंखों में आनंद भरे आंसू बह रहे थे।